प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बापना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। कोरोना अब दूसरी लहर की ओर बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग बेफिक्र हैं। जलगांव में भी ऐसा सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि अभी कोरोना के मरीजों की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन जिस तरह से लापरवाही बरती जा रही है, कोरोना वायरस काफी तेजी से बढ़ सकता है, इसमें दो राय नहीं है। इन्हीं सभी बातों पर ध्यान देते हुए जलगांव के मनपा उपायुक्त संतोष वाहुले स्वयं सड़क पर उतरे। सिर्फ उतरे ही नहीं, उन्होंने सरकारी गैर सरकारी सभी लोगों पर जरूरी कार्रवाइयां भी की। बिना किसी पार्सलिटी के कार्रवाइयों को देखकर अच्छे अच्छों का मन मनपा उपायुक्त संतोष वाहुले को सैल्यूट करने का कर रहा था। संतोष वाहुले नौजवान है, तेज तर्रार भी। एक बार जो ठान ली तो ठान ली, इस तर्ज पर काम करते हैं। जलगांव में संतोष वाहुले के मार्गदर्शन में मनपा की टीम ने कई लोगों पर जिन्होंने मास्क नहीं पहना था अथवा इधर उधर कहीं पान और गुटखा खाकर थूक रहे थे, जुर्माना ठोक दिया। इस दौरान कुछ लोगों की मनपा के टीम से नोकझोंक भी हुई, लेकिन जहां संतोष वाहुले होते हैं वहां सिर्फ और सिर्फ न्याय ही होता है। देखना है कि यह कार्यवाही कब तक चलेगी और इस कार्यवाही से क्या जनता को कुछ समझ में आएगा और वो प्रॉपर मास्क पहनकर बाहर निकलेगी एवं सरकारी नियमों का पालन करेगी। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया आप तक न्यूज के लिए।